हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत, और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 45वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन इन लिक्विड NH3 एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। आज हम बेटा लिक्विड अमोनिया तथा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली कुछ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाई थी। हमने बताया था कि लिक्विड अमोनिया तथा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जल के समान ही एसिड बेस रिएक्शन होती है। आज हम अपनी दूसरी रिएक्शन, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में तथा रिडॉक्स रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लिक्विड अमोनिया में रिडॉक्स रिएक्शन देखी थी, उसके बाद लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में रिडॉक्स रिएक्शन देखी। तो लिख दिया हमने रिडॉक्स रिएक्शन, टॉपिक का नाम डाल दीजिए बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इन लिक्विड NH3। तो देखिए बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया टेक्स प्लेस जस्ट लाइक वाटर। बेटा द्रव अमोनिया में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया जल के समान ही होती है। जिस प्रकार जल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसी प्रकार द्रव अमोनिया में भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद वॉटर, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, एल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव देने के लिए ब्लू कलर सॉल्यूशन विच एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जैसे हम देख सकते हैं सभी एल्कली मेटल्स क्या होती हैं, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होकर घुलकर एक नीले रंग का ब्लू कलर्ड बिलियन बना लेती है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बना लेती है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, ठीक है। यही लिखा है फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं एल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर्ड सॉल्यूशंस विच एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो एक बहुत ही प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा। दस इस प्रकार दे रिड्यूस, वो क्या करता है, दे रिड्यूस N2O into N2, मतलब बेटा N2O को बेटा N2 में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, अपचेज कर देता है। और इसी प्रकार NH4BR अमोनियम ब्रोमाइड को हाइड्रोजन में रिड्यूस कर देता है, और बेटा Cu2I2 को कॉपर Cu में रिड्यूस कर देता है। एग्जांपल के तौर पर हमने देखा बेटा क्या कि यह जो है N2O को नाइट्रस ऑक्साइड को N2 में, NH4Br को अमोनियम ब्रोमाइड को H2 में
यूज हो रहा है कॉपर में CO2 आया तो प्लस एल्कली मेटल के अंदर CuNa फिर लिक्विड NaCl में ये रिएक्शन हुई 2Cu बना प्लस 2NaI। ये थी बेटा रिडक्स रिएक्शन अमोनिया लिक्विड अमोनिया के हमने रिडॉक्स रिएक्शन देखा कि बेटा लिक्विड अमोनिया जल के समान ही रिडॉक्स रिएक्शन देती है, जल के समान ही रिडॉक्स रिएक्शन देती है। ये किसी एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, कोई एल्कली मेटल डिसॉल्व होती है और डिसॉल्व होने के बाद एक नीले रंग का सॉल्यूशन बना लेता है और ये सॉल्यूशन क्या करता है, ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि NH और Br को H2 में N2O को N2 में और CO2I2 को Cu में रिड्यूस कर देता है, खत्म। ये रिएक्शन की बेटा लिक्विड अमोनिया में। अब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, भी है बेटा हमने रिडॉक्स रिएक्शन बी में लिखा है लिक्विड एसिड में रिडॉक्स रिएक्शन ये देख लीजिए बेटा रिडॉक्स रिएक्शन की लिक्विड एसिड डज नॉट शो एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। यहां पे हमने क्या देखा बेटा, यहां पे हमने एक पॉइंट देखा क्या कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ना तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये रिएक्शन को माध्यम मीडियम प्रोवाइड करवा देता है, करा देता है, ठीक है। तो यही लिखा है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट शो एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इट ओनली प्रोवाइड्स ये केवल प्रोवाइड कराता है बेटा रिएक्शन के लिए मीडियम, प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर द रिएक्शन ये केवल अभिक्रिया के लिए माध्यम को प्रोवाइड कराता है और कुछ नहीं बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ HCl3 और SbCl5 यानी कि फेरिक क्लोराइड और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इन लिक्विड एसिड ऑक्सीडाइजेस Ki2I2। मतलब ये देखा है कि फेरिक क्लोराइड HCl3 तथा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी कि SbCl5 लिक्विड एसिड टू में Ki को I2 में क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज कर देते हैं हो गया। अब ये रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन जैसे फेरिक क्लोराइड पोटेशियम नाइट्राइड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया बेटा, Ki2 में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज है पर रिड्यूस नहीं कर रहे, ऑक्सीडाइज रिएक्शन है आपकी 2HCl3+2Ki लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड 2HCl2+2KCl+I2। सेम इसी प्रकार HCl5 में देख लीजिए आप 3HCl5 की मॉलिक्यूल के अंदर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है प्लस 6Ki इसमें भी पोटेशियम आयन ले लिया हमने वो रिड्यूस होगा I2 में, यहां पे I2 3I2 बन गया 2K3 एक ये क्या है कॉम्प्लेक्स बना 2K3 ब्रैकेट HCl का
ये बना 2 के 3 SPCL6। अब बेटा हमने रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट पढ़ ली है, लिक्विड अमोनिया में प्योर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। हमने देखा लिक्विड अमोनिया में क्या कर रही है, जल के समान ही रिडॉक्स रिएक्शन कर रही है, लेकिन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड रिडॉक्स रिएक्शन में ना तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज का काम करती है और ना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, बल्कि ये रिएक्शन को एक मीडियम प्रोवाइड करा देती है। जैसे इस रिएक्शन में मीडियम प्रोवाइड होकर हमने ऑक्सीडाइजेशन दिखाया था कि आएगा I2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपनी प्रेसिपिटेशन। अब क्षेपण रिएक्शन देखते हैं तो हेडिंग डालो बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बेटा हमने लिक्विड अमोनिया में भी देखनी है और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी देखते हैं। जल के समान द्रव अमोनिया में भी बहुत सारी अपक्षेपण रिएक्शन होती है, अपक्षेपण अभिक्रियाएं होती है। लिक्विड NH3 प्रेसिपिटेट पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड इनटू वाइट प्रेसिपिटेट। मतलब यह है कि द्रव अमोनिया पोटेशियम आयोडाइड तथा अमोनियम क्लोराइड को सफेद अपक्षेप में क्या कर देती है, अपक्षेपित कर देती है। सफेद अपक्षेप किसके सफेद अपक्षेप में, KCl के सफेद अपक्षेप में। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए कि Ki+H4Cl लिक्विड अमोनिया में मिल रही है KCl+H4I। यहां पे वाइट प्रेसिपिटेट है ये KCl का। कुछ और भी एग्जांपल है बेटा, जैसे CuNH3 का ऑक्साइड प्लस NH4S लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन हुई CuS कॉपर सल्फाइड का बना बेटा, कॉपर पीपीटी बना CuS का पीपीटी बना में प्राप्त हुआ NH4NO3 NH2NH4NO3 मिला। अब यही रिएक्शन बेटा सल्फर डाइऑक्साइड में दिखाते हैं, तो इसमें दिखाया मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी जल के समान होती है, रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं हुई लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहां पर भी जल के समान होती है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी। तो लिख दिया है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स ए नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस लाइक वाटर। ये भी बेटा जल के समान बहुत सारी अपक्षेपण अभिक्रियाएं देती है, जैसे लेड फ्लोराइड PbF2Na ये लिथियम सल्फेट Li+H4 के साथ रिएक्ट करा है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, मीडियम है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तब हमें एक प्रेसिपिटेट मिला PbSO4 लेड सल्फेट का, लेड सल्फेट हमें प्रेसिपिटेट रूप में मिल गया प्लस Li+H4। सेम वे दूसरी रिएक्शन दिखाते हैं हमने यहां पे था ट्यूब में भी आप पोटेशियम ब्रोमाइड, अब इसकी रिएक्शन एसोसिएटिव से करा है तो हमने देखा KCl का प्रेसिपिटेट हमें मिला KCl+SOBr, तो ये प्रेसिपिटेट मिला हमें। तो बेटा हमने लिक्विड अमोनिया लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली दो प्रकार की रिएक्शंस देख ली है, रिडॉक्स रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।